रामायण सर्किट पर्यटन के लिहाज से वो धार्मिक सर्किट है जिसका ताल्लुक भगवान राम से है, यानी कि जहां वो पैदा हुए, जिन स्थानों का उनके जीवन से ताल्लुक है। इसमें वो सभी स्थान शामिल हैं जहां उन्होंने वनवास के दिनों में वक्त बिताए या फिर जहां जहां उन्होंने सीता की खोज की। केंद्र ने ऐसे क्षेत्रों के रूप में 15 शहरों को चुना है जो भगवान राम के लिहाज से काफ़ी धार्मिक माने जाते हैं और बड़े पैमाने पर लोग इन स्थानों पर दर्शन करने जाते हैं। उनमें से 5 बिहार के भी स्थल शामिल हैं। बता दें कि बिहार में रामायण सर्किट यानी राम जानकी मार्ग के तहत करीब 243 किलोमीटर लंबाई में 4-लेन सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि 5 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या से माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस सड़क का निर्माण करीब 5,800 करोड़ रुपए की लागत से 4 चरणों में 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम जानेंगे किन 5 जिलों से होकर गुजरेगी रामायण सर्किट। जिन 5 जिलों से होकर रामायण सर्किट की सड़क गुजरेगी उनमें सिवान, सारण, गोपालगंज, शिवहर और सीतामढ़ी जिला शामिल है। इसके लिए पहले चरण में सिवान से मशरक तक करीब 1,027 करोड़ रुपए की लागत से करीब 51 किलोमीटर लंबाई में निर्माण शुरू होगा। इस सड़क के निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मेहरौना से सिवान तक लगभग 40 किलोमीटर लंबाई के 4-लेन सड़क के निर्माण के लिए अलाइनमेंट तय कर जमीन अधिग्रहण हो रहा है। इसके निर्माण में कुल 1,254 करोड़ रुपए लगने के अनुमान है। वहीं साथ ही मशरक से चकिया तक 40 किलोमीटर लंबाई में करीब 1,450 करोड़ की लागत से निर्माण होगा। चकिया से शिवहर और सीतामढ़ी होकर भिट्ठा मोड़ तक 103 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करीब 2,100 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। अब हम जानेंगे कि इस सड़क के बन जाने से क्या फायदा होगा। इस सड़क के बन जाने से न केवल आवागमन की सुविधा होगी बल्कि रोजी रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। बताते चले कि इससे पहले केवल 2 लेन बनाने की चर्चा थी, लेकिन राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे 4 लेन बनाने की मंजूरी इसी साल के शुरुआत में दी थी। इस सड़क के बनने से राज्य में पर्यटकों के आवागमन में बढ़ोतरी होगी। अब जानते हैं कि रामायण सर्किट के पहले चरण में सिवान में बनने वाली सड़क कहां कहां से होकर गुजरेगी। रामायण सर्किट के सिवान से मशरक तक में सिवान बाईपास करीब 4 किलोमीटर 63 मीटर, तड़वाड़ा बाईपास करीब 7.38 किलोमीटर, बसंतपुर बाईपास करीब 14.66 किलोमीटर और मशरक बाईपास करीब 2.29 किलोमीटर नए अलाइनमेंट पर 4-लेन हाईवे बनना है। मलमलिया बाजार के पास एक रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि रामायण सर्किट भगवान राम और सीता के जन्मस्थली से लेकर जहां जहां भी उन्होंने समय बिताया है उसको लेकर रामायण सर्किट के माध्यम से सभी जगहों को जोड़ा जा रहा है। उन्हीं में से बिहार के ये 5 जिले हैं। मालूम हो कि बक्सर में गुरु विश्वामित्र का आश्रम था, यहीं पर राम और लक्ष्मण का प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण हुआ। प्रसिद्ध ताड़का राक्षसी का वध राम द्वारा यहीं पर किया गया था। रामायण काल में मिथिला के एक राजा जो जनक कहलाते थे, शिरध्वज जनक की पुत्री सीता थी। विदेह राज्य का अंत होने पर यह प्रदेश वैशाली गणराज्य का अंग बना। सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है। ऐसे में इन सभी जगहों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है जो कि रामायण सर्किट कहला रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।